इस सरकार में जो हो जाए सो कम है। सिवनी के नायाब तहसीलदार ने अतिक्रमण की शिकायत करने वाले को ही अतिक्रमणकारी बताते हुए नोटिस थमा दिया। यही नहीं, नायाब तहसीलदार ने जांचकर्ता पटवारी को भी अतिक्रमण करने का नोटिस दे दिया। जब ये मामला संज्ञान में आया तो नायाब तहसीलदार ने मामले में त्रुटि बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। सिवनी के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र लखना दौन विकास खंड के मोहगांव काछी में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां अतिक्रमण की शिकायत करने वाले को ही अतिक्रमणकारी बताकर उसे नोटिस थमा दिया गया। दरअसल शिकायतकर्ता बैजनाथ सेन ने नायब तहसीलदार पूजा राय से शिकायत की कि उनके गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। मामले में बिना पड़ताल किए नायब तहसीलदार ने शिकायतकर्ता को ही अतिक्रमणकारी बताकर नोटिस थमा दिया। यही नहीं, हद तो तब हो गई जब जांच के लिए आए पटवारी को भी अतिक्रमण का नोटिस दे दिया गया। मामला जब प्रकाश में आया तो आधिकारिक दबाव में पटवारी ने तुरंत नोटिस को वापस ले लिया। गुप्त कैमरे में पटवारी यह बताने से नहीं चूके कि तहसीलदार के द्वारा मुझे ही अतिक्रमणकर्ता बता दिया गया है और नोटिस थमा दिया गया। ठीक है, वही दिन वापस कर दो, मतलब बताओ। मैंने तुम्हें काय को निकलो तो भाई, मैंने रिपोर्ट दिया हाँ कि पराय व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है। हाँ। अनावेदक को कहना है ना, इन्हें मेघ लग रहा है कि पटवारी हेल्प नंबर फलाना फलाना आपके द्वारा अतिक्रमण किया गया, मकान बना लिया गया, आप हटाए। सभी लोग एकदम नए हो गए हैं तो अड़चन नहीं है, दिक्कत लोगों के ज्यादा ही काम कर रहे हैं। मैं थोड़ी मन का आपको कहलाऊंगा। हाँ। अनावेदक नोटिस जारी जाता है, सही बात है। हाँ। नया है का ये? कब? राज्यसभा निरीक्षण मंडल आदिगांव पटवारी हल्का नंबर 65 खसरा नंबर 207 की भूमि में किसी अवैध दस्तावेज स्कूल को दिए गए थे अपने बताकर, जिसकी शिकायत मैंने नायब तहसीलदार महोदय के यहाँ लिखित आवेदन किया था कार्रवाई के लिए। उसके 27 तारीख को मैडम ने खुद मुझे ही अतिक्रमण का नोटिस दे दिया। मैडम पास गया, मैं बताया मैडम को, मैंने कहा जी नोटिस लगा है, तो बोले मुझसे गलती हो गई। इस मामले में तहसीलदार पूजा राय कैमरे के सामने इसको लिपकीय त्रुटि बताते हुए मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए, जबकि पटवारी और शिकायतकर्ता को जारी किया गया नोटिस पर खुद नायब तहसीलदार पूजा राय के हस्ताक्षर अंकित हैं। जैसा कि मामला संज्ञान में आया है, कादेगांव का एक शिकायतकर्ता थे, गौठान की भूमि को लेके आपके पास आए थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको ही कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहती हैं आप इसमें? वो सिर्फ एक लिप की त्रुटि, उसको सुधारवा दिया जाएगा। एक पटवारी का मामला और आया था, उसने पटवारी ने जांच प्रतिवेदन यहाँ आपके कार्यालय को सौंपा था, उसमें भी उसको आरोपी बना दिया गया है। ऐसा कोई मामला नहीं, पटवारी आके मुझसे कहे कि ऐसा कोई मामला, कोई सरेआम करके पटवारी जी, उनको बुलवाइए ना पहले। नहीं, वो तो आपके अधिकारी, वो आपको आप बुलवाइए, हम क्यों बुलाएंगे? तो आप आरोप लगा रहे हैं, आपसे अधिकारी। मैं क्यों आरोप लगाऊंगा, मेरे पास थोड़ी है। मेरे मामले में ऐसा कोई नहीं है, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।